हेलो स्टूडेंट, आईटी और नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेड थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। एलिहू थॉमसन वाट आवर मीटर, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलिहू थॉमसन वाट आवर मीटर, राइट। इसमें हम लोग छोटा डीसी मोटर को यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसमें? छोटा डीसी मोटर को हम लोग इसमें यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वाट घंटा कम्यूटेटर मोटर यंत्र, वाट आवर कम्यूटेटर मोटर मीटर, राइट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, राइट, इसको समझेंगे हम लोग। तो चलिए फिगर की ओर चलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन, राइट। किसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे? एलिहू थॉमसन वाट आवर मीटर का। एलिहू थॉमसन वाट आवर मीटर का चित्र आपके सामने रखा गया है, राइट। इसमें से इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या यूज होता है, राइट। इसमें करंट कॉइल होता है, किसको बोलते हैं, राइट। प्रेशर कॉइल किसको बोलते हैं, कैसा कनेक्शन रहता है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये है करंट कॉइल, राइट। ये जो दिया गया है एरो यहाँ पे, इसको हम लोग फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये कम्यूटेटर का के साथ ये हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहता है, राइट। और ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है एक एल्युमिनियम डिस्क, राइट। और ये जो परमानेंट मैग्नेट है, ये डैम्पिंग मैग्नेट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर डैम्पिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, राइट। तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने? करंट कॉइल जो है, ये डीसी मोटर, जो छोटा डीसी मोटर को जो करंट कॉइल जो है, जो छोटा डीसी मोटर अभी हम लोग यूज़ किए, जो बताया छोटा डीसी मोटर यूज होता है, राइट, उसका ये क्षेत्र कुंडलियाँ हैं, फील्ड कॉइल हैं, राइट, जो लोड के श्रेणी में, श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, राइट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? करंट कॉइल भी कहते हैं। ये क्षेत्र कुंडली के श्रेणी क्रम में एक फ्रिक्शन कंपनसेटिंग भी संयोजित किया जाता है। क्या? एक फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी संयोजित करते हैं। क्यों करते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे उसका वर्किंग प्रोसीड्यूर में, राइट। डीसी मोटर के आर्मेचर को, ये डीसी मोटर है, इसका आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं? इसका आर्मेचर को कम्यूटेटर के द्वारा, आर्मेचर को कम्यूटेटर के द्वारा लोड के समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इस लोड के समानांतर क्रम में इसको हम लोग संयोजित करते हैं। इसे हम प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस का मान वाला प्रतिरोध भी संयोजित किया जाता है या संयोजित करते हैं, राइट। मोटर की शाफ्ट पर एक और एल्युमिनियम डिस्क से बनी वृत्ताकार चक्ती लगाई जाती है। मोटर के ये शाफ्ट है, राइट, इस शाफ्ट में ये क्या? एल्युमिनियम का एक चक्ती है जो उसमें लगाई जाती है। चक्ती की दोनों ओर सी आकार का, सी आकृति के दो अस्थाई चुंबक उसमें क्या करते हैं? अस्थाई चुंबक भी लगा सकते हैं और विद्युत चुंबक भी उसमें यूज कर सकते हैं। मोटर की शाफ्ट है धुरा मतलब स्पिंडल, तो दोनों जो होता है ज्वेल बेयरिंग से आलंबित होता है, राइट। ज्वेल बेयरिंग से क्या होता है? आलंबित होता है। धुरे के ऊपरी सिरे रिकॉर्डिंग प्रणाली से जुड़ी होती है, जो जैसे जैसे मेरा मूव करेगा एल्युमिनियम डिस्क, उसी हिसाब से मेरा क्या करेगा? रिकॉर्डिंग दर्शाएगा। अब देखेंगे हम लोग इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर। क्या देखेंगे?
वर्किंग प्रोसीड्योर, राइट। इसका वर्किंग प्रोसीड्योर है, इसको अभी हम लोग समझेंगे, राइट। तो विक्षेपक टॉर्क मतलब कि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डिपेंड करता है कि एक करंट कॉइल से होते हुए, मतलब कि क्षेत्र कुंडलियां किसका, ये डीसी मोटर का क्षेत्र कुंडलियां यानी करंट कॉइल से होते हुए कितने करंट गुजरती है, राइट। करंट कॉइल से होते हुए कितनी लोड धारा गुजरती है तथा ये आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर कितना विभवांतर विद्यमान है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी विक्षेपक टॉर्क, राइट। अब रिकॉर्डिंग प्रणाली इसमें जो होता है, रिकॉर्डिंग प्रणाली किस में नापता है, किलोवाट आवर में, मतलब क्या किलोवाट घंटा में, क्या इसका मात्रक है जिसमें विद्युत शक्ति खपत को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसमें से दो क्या है सी आकार का, दो क्या है सी आकार का मैग्नेट है, अस्थाई चुंबक है। पहला जो होता है, पहला काम करता है ड्राइविंग चुंबक के लिए और दूसरा काम करता है ब्रेकिंग चुंबक के लिए। क्या करता है, ब्रेकिंग करने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए यूज होता है, ये ब्रेकिंग करने के लिए यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या फीचर्स हैं, तो चलिए समझते हैं इसका फीचर्स। तो फीचर्स, यंत्र का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है जिसके कारण यह यथार्थ पठ्यांक उपलब्ध कराता है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग आपको बताता है, इसका ये मेन फीचर्स हो गया।